गोगांव में ईद का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। देश में अमन शांति के लिए दुआएं की गई। रात्रि चंद्र दर्शन के साथ रमजान का पवित्र महीना समाप्त हुआ और आज मंगलवार को ईद की नमाज ईदगाह पर अदा की गई। हम आपको बता दें कि गोगांव में लगभग सभी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई और देश में अमन चैन शांति और भाईचारे के लिए दुआ की गई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुस्लिम समाज रमजान के पूरे महीने दिन भर रोजा रखता है और इबादत करता है और महीने के अंत में ईद का त्यौहार मनाता है। गोगांव में ईद की नमाज ईदगाह सहित नूर मस्जिद, ग्राम शाहपुरा, अदलपुरा की लगभग सभी मस्जिदों में अदा की गई। ईद की नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे के गिले शिकवे भुलाकर गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। हम आपको बता दें कि गत दिनों खरगोन मुख्यालय पर हुई घटना को लेकर पुलिस प्रशासन हर जगह अलर्ट चल रहा है। किसी प्रकार की कोई घटना न घटे, इसी को लेकर गोगांव तहसीलदार एवं थाना प्रभारी महेश सुनैया अपने दल बल के साथ मुख्य स्थानों पर दिन भर ड्यूटी करते नजर आए। गोगांव में पुलिस का सराहनीय कार्य रहा। गोगांव से संवाददाता इकबाल हकीम की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।